मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस हमारी बहुत दक्षता से काम कर रही है और परसों 11 तारीख के दिन जो घटना घटी है ये तो वाकई अद्भुत घटना है। हमारे अपने अरेरा कॉलोनी में निवासी विवेक ओबेरॉय जी, जो दुबई में कॉरपोरेट सेक्टर के उद्यमी हैं, अपने घर पहुंचे थे और घर पे उनको लगभग 6 घंटे डिजिटली अरेस्ट किया। चारों तरफ से कैमरे और सीबीआई अफसर, ईडी अफसर, और जिस प्रकार का नाटक किया गया, किसी भी ईमानदार या सामान्य व्यवसायी को अगर इस तरह के वातावरण में जिसको पहली बार पला पड़े तो अपने घर के मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, बच्चों के बैंक अकाउंट, उनके अपने सारे 6 घंटे में एक तरह से इतना ज़बरदस्त तनाव की मुद्रा में, और एक तरह से ऐसा लगा कि सच्चे में उनको अरेस्ट कर लिया गया और डिजिटली। लेकिन पुलिस को सूचना मिली और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे प्रदेश के नागरिक भी जागरूक है। उससे बढ़ करके सूचना तो सब तरफ की आती है, लेकिन तत्परता से तुरंत एक्शन होकर के हमारी टीम जब गई और टीम ने जा कर के न केवल जो एक तरह से डिजिटली अरेस्ट कर रहे थे उनसे पूछताछ की, वो हमारी असली पुलिस से आईडी मांग रहे, वो परिचय मांग रहे, उनकी हिम्मत देखो। और दुबई और बाहर विदेश के नंबरों से बात करके जिस प्रकार से वातावरण बनाते हैं, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि ऐसे हमारे पुलिस अफसरों ने और मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ा काम किया। जब उनको डांट डपट करके उनसे उनका परिचय मांगा और जब उनको लगा कि असली पुलिस है तो वो भागे और उनने अपने आप को उस वीडियो कॉलिंग से बाहर कर लिया। लेकिन ये सबक दे गई ये घटना कि ऐसी घटनाओं में तुरंत आप मध्य प्रदेश पुलिस या जहाँ भी पुलिस, पूरे देश के अंदर भी, मुझे इस बात का संतोष है, पिछले महीने ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटली अरेस्ट की घटनाओं पे मन की बात पे विस्तार से बात कही और उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर अब इस नए दौर में हमको इस तरह से भी जागरूक रहना पड़ेगा, अन्यथा ये हमारे लूटे जाने का बहुत बड़ा नया एक उपक्रम चालू हुआ है। तो इसलिए आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप सब जब किसी को ऐसी कोई घटना हो तो पहली बात तो स्वयं सावधान रहे। डिजिटली अरेस्ट वाली घटनाओं में बहुत बड़े पैमाने पर डाके जाने की घटना जैसी घटना है, तो इससे बचना भी है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस आपकी मदद करेगी, मध्य प्रदेश पुलिस भी करेगी और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं सबको अवेयर कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पूरी दुनिया का संभवतया, पक्का तो नहीं कह सकता हूँ, कि ये पहली ऐसी घटना है जब लाइव किसी को डिजिटली अरेस्ट किया और ऐसे में हमने रेस्क्यू करके उनको बचाने का प्रयास किया। करोड़ों रुपए की उनकी राशि बचाई, उनके बच्चों के, परिवार के, पत्नी के, स्वयं के, सबके अकाउंट्स नंबर तक मांग लिए गए थे और बड़ी पैमाने पर बड़ा अमाउंट उनका लूटने से बचा है। मुझे इस बात का संतोष। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए हमने निर्णय किए हैं और आगे जा करके पुलिस हर जिले में साइबर थाना खोलने जा रही है और हर थाने में साइबर डेस्क भी होगी और खासकर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 ये हमने इसको और सुदृढ़ करने का प्लान बनाया है और उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता का अभियान भी हम चलाएंगे जिसके माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस प्रकार का समय चल रहा है हमारे लिए, अगर घटना की बात करें तो 2019 में केवल 4,000 घटनाएँ आती थी, लेकिन 2024 तक बढ़ते बढ़ते 5,00,000 हो गई। अब आप अंदाज लगा लो कि 19 से 24 भी पूरा नहीं हुआ अभी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे ऐसी घटनाओं के शिकार हो जब हो रहे हैं लोग, तो हमको उतनी ही ताकत से जागरूकता रखने की ज़रूरत है। डिजिटल माहौल में ये अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंट सारी चीज़ें करने कराने के लिए डिजिटल व्यवस्था का लाभ लेना चाहिए, लेकिन उतने ही जागरूक रहने की आवश्यकता भी। और मुझे इस बात का संतोष है कि फ्रॉड की राशि के मामले में हमने अपनी तरफ से लगातार इसमें लगभग 24 में ही 9.34% की राशि वापस प्राप्त की, लेकिन मान के चलेंगे कि होल्ड करवा करके बचाने का काम किया। मैं आज उज्जैन जा रहा हूँ, वहाँ अभी अभी 2 दिन पहले 50,00,000 की राशि बचाने का प्रयास किया, लेकिन एक तो लूटी गया, ऐसे रोज घटनाएं हो रही है। तो अब हमको स्वयं को अपने खुद के स्तर पर जागरूक रहने की आवश्यकता। मैं अपनी तरफ से हमारे ये बड़ी घटनाक्रम में जिनने इसमें मदद की, सूचना देने के लिए, जैसे वो खुद ही कह रहे थे कि
हमारा सब इंस्पेक्टर सचिन जब गया तो भगवान बराबर एक तरह से, क्योंकि वो बड़ी घटना में जागरूकता के साथ पूरी घटना को हैंडल भी किया, बचाया भी सही। हमारे एडीजी साइबर जो इस काम को देख रहे थे, ये पुलिस के पूरे विभाग के लिए गौरव की घड़ी है जब हम ऐसी घटनाओं को रोकने का एक बड़ा उदाहरण पूरे देश के सामने सबसे पहले बने हैं। मैं पुनः एक बार सबको बधाई देता हूँ। हाँ उबरा जी नमस्कार। अरे आपको जी 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 आपने पहली बार हुआ है कि वो चल रहा था आपने आके बहुत धन्यवाद जी 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 वो सुभाषपुरी को जाता है और गोरखपुर को जाता है जो जो यूसुफ साहब को बोला और यूसुफ साहब ने 10 मिनट में 15 मिनट में सेल्फी को भेज दिया। बात वो लोग तो निकल रही डिजिटल है वो फोन भी नहीं कहते फोटो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए अगर एक केस भी ऐसा हो गया जिसको आपने रोक लिया तो उसका मार्केट में इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। फ्रॉडस्टर जो है ये डर जाएंगे, आप मध्य प्रदेश में घुसने में दो बार सोचेंगे। बिल्कुल, पुलिस बहुत प्रोएक्टिव है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। और एक कुल मिलाकर मैं आज इसीलिए साइबर ऑफिस में आया हूँ, आपकी जागरूकता से समय पे सूचना मिली और हमारी पुलिस ने भी आपकी जागरूकता का लाभ लेते हुए तुरंत बड़ी एक घटना को रोका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि हमको सबको जागरूक रहने की जरूरत है और एक तरह से मैं आपका आभार भी मानता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। अच्छा हाँ ये बात तो सही है। मैं तो मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, भोपाल में ही रहा हूँ, मुझे नहीं जानते जी, जी। बट मेरे लिए तो भोपाल मध्य प्रदेश सब कुछ ही है और हम जी। कर सकते हैं तो बहुत अच्छा बात करके अच्छा लगा मेरे को। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद।